وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मु बरोज हफ्ता बाद नमाज मग़रिब दर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ यह सीरीज जारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस सीरीज़ को इन दुरुस को कामयाबी के साथ इसका अख्ताम फरमाए पिछली मरतबा कहाँ पर बात खत्म हुई थी जी माशाल्लाह, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने पर बात खत्म हुई थी उमर बिन खत्ताब रजियाल्ला जनाब महम्म रसूल गर्चे के ये वाक़ीफ है मगर सीरत निगार लिखते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ख़ाब रज़ील्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए निकले ख़त्म करने के लिए ताकि यह किस्सा ख़त्म हो जाए खेल ख़त्म हो जाए मगर उमर रज़ी अल्लाह को क्या मालूम था जो उमर नबी की गर्दन उड़ाने जा रहे हैं वो नबी अल्लाह रब्बुल रब्बुलमीन से उमर रजी अल्लाह तहु को इस्लाम की तकवियत के लिए इस्लाम की सरबलंदी के लिए और इस्लाम के एजाज के लिए मांगा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तलवार को मिया से बाहर निकाला मगर जब इस्लाम की दावत उन तक पहुंची तलवार जहां से निकली थी वहीं चली गई और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं था मैं तो तुम्हें कत्ल करने के लिए निकला था मगर इस्लाम की दावत मेरे सामने आई और मेरे दिल में घुस गई जिसकी बिना पर मैं आप का गुलाम बनकर आया हूँ और मैं इकरार करता हूँ अशहद अशहद मोहम्मद रसोलो मैं आप पर अल्लाह रब्बुलमीन पर ईमान लाता हूं जैसे ही उमर बिन खत्ताब इस्लाम लाए तो उस समय उस वक्त बड़े जोर से साहबाकर क़राम ने तकबीर बलन फरमाई कहा जाता है ये आवाज मक्का के दूर दूर तक सुनाई दी गई हजरत उमर बिन खत्ताब रजियाल्लाहू के इस्लाम लाने की वजह से और उमर रजी अल्लाह तला की जोर आवरी का हाल ये था मक्के का कोई भी शख्स मक्के का कोई भी फर्द आपसे मुकाबले की जरूरत नहीं कर सकता था क्योंकि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तला का रो भी ऐसा है दबदबाई ऐसा है और आपकी हैबत ऐसी है कि मक्के का कोई फर्द या पहलवान हो या फिर कोई आम हो या खास हो उमर रजी रज्लाह ताला अन्हों से मुकाबला आरा की जरूरत नहीं कर सकता था यह इस्लाम से पहले है इस्लाम के बाद तो शैतान भी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह खत्ता डर कर भाग जाया करता था इसलिए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह रजियाल्लाह के मुसलमान होने की वजह से मुशर्कन में कोहराम मच गया मुशर्क डर गए कि तीन दिन पहले हमजा रजी अल्लाह रजील ने इस्लाम कबूल किया और तीन दिन बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु इस्लाम कबूल किया अब तो इस्लाम की शौकत बढ़ जाएगी इस्लाम कोत में आ जाएगा मोहम्मद सल्लास के बाजू मजबूत हो जाएंगे और आपको कोई डर भी नहीं होगा मुशरकिन में कोहराम मच गया डर की वजह से और डर के साथ साथ उन्हें बड़ा जलील रसुवा होना पड़ा मगर दूसरी तरफ साहबा क़राम खुश थे क़राम मसरूर थे शादमान थे क्यों इसलिए उमर के इस्लाम लाने के बाद जो इस्लाम परेशान था मुसलमान परेशान थे मगर इस्लाम हजरत उमर के लाने के बाद मजबूत हो गया ताकतवर हो गया खुद उमर रजियाल्ला कहते हैं जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के में ऐसा कौन सा शख्स है जो जनाब मोहम्मद खतरनाक दुश्मन है सख्त तरीन दुश्मन है उमर रजी अल्लाह कहते हैं, मैंने जी में कहा यह तो अबू जल है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तहते हैं मैं अबू जहल के पास गया दरवाजा खटखटाया अबू जहल दरवाजा खोला मेरी नजर मुझ पर जैसे नजर पड़ी कहा आहलन, सहलन मरहबम खुश अंदर आओ। उमर बिन खताब ने कहा, अबू जहल मैं इस्लाम लाया हूं मुसलमान हो गया हूं देखिए कोई भी उस समय उस जमाने में इस्लाम लाता तो अपने इस्लाम लाने को छुपाया करता था खुफिया तौर पर रखता था मगर उमर बिन खत्ताब इस्लाम लाए और उनकी जुरत का अंदाजा लगाइए जो अबू जहल हजरत मोहम्मद को तकलीफ देने में पेश पेश रहा करता था इस्लाम को सरविनाश करने के लिए पेश पेश रहा करता था हजरत साहबा को सफेद हस्ती से मिटाने के लिए कोशिशें करता था उसी के घर पर जाकर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस्लाम लाया हूं ये बेबाकी है उमर बिन खत्ताब तआला की यह है उमर बिन खत्ताब रज की जैसे ही यह आवाज अबू ने सुनी फ़ौरन दरवाजा बंद कर लिया उमर बिन खत्ताब कहते हैं जैसे उसे मालूम हुआ मैं इस्लाम लाया मुसलमान हुआ तो फौरन मेरे रुख पर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चला गया और कहा अल्लाह तेरा बुरा करे इब्न रहमतुल्लाह रले उमर रजी अल्लाह तैन से यह रिवायत नकल की है उमर अल्लाह रजियला कहते हैं जब कोई शख्स मुसलमान होता तो लोग उसके पीछे पड़ जाते उसको मारते और वो भी शख्स उसको मारता मगर जब मैं मुसलमान हुआ तो मैं अपने मामू आसी बिन हाशिम के पास गया और कहा मैं मुसलमान हुआ हूँ वो घर के अंदर घुस गया फिर उसके बाद मैं कुरैश के एक बड़े आदमी के पास गया यहां इशारा अबू जहल की तरफ है वहां जाकर मैंने दरवाजा खटखटाया और कहा मैं इस्लाम लाया हूं मगर अबू जहल ने भी दरवाजा बंद कर दिया और अंदर घुस गया और इससे पहले क्या होता था लोग उसको मारते थे जमा हो जाते एक जगह जमा होकर उसको मारना शुरू करते और यह भी मारता मगर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला की जलालत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का रोब दबदबा ऐसा है इस्लाम लाए इस्लाम लाने के बाद दो अशखास के घर गए कहा मैं इस्लाम लाया हूं मगर वो लोग अंदर घुस कर चले गए उनकी जुरत नहीं हुई उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला को मारने की इब्ने हशाम और इब्ने जौजी का बयान है कि जब उमर अल्लाह तैन मुसलमान हुए तो जमील बिन मामर के पास गए ये शख्स इधर की बात उधर उधर की बात इधर करने में बड़ा माहिर था यूँ समझिए एक अखबार के मानंद काम किया करता था उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तैन उसके पास गए और जाकर कहा कि मैं इस्लाम लाया हूँ इस्लाम कबूल किया हूं जैसे ही उसने यह सुना फौरन चीखना शुरू कर दिया कि खत्ताब का बेटा उमर बेदीन हो गया है अपने वजदाद के दीन को अपने वजदाद के मिलत को छोड़ दिया है तर्क कर दिया है उमर बिन खत्ताब उसके पीछे होते कहते झूठ कहता है मैं बेदीन नहीं हुआ हूं बल्कि मैं मुसलमान हुआ हूं इस्लाम कबूल किया हूं बरहाल लोग हजरत उमर बिन खत्ताब रज पर टूट पड़े और मारना शुरू कर दिए हजरत उमर रजी अल्लाह मार रहे हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह लोगों को मार रहे हैं यहां तक के लोग उन पर पूरी तरह सवार थे तो उमर अल्लाह तला ने कहा कि जो बन पड़ता है कर लो मैं इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूं कहा अल्लाह की कसम मार रहे हैं लोग और इधर हजरत उमर भी मार रहे हैं उधर लोग भी मार रहे हैं कहा कि अल्लाह की कसम अगर हम 300 की तदाद में होते तो वादी में या तो तुम रहते या हम रहते मक्का में या तुम बचते या हम बचते या हम तुम्हारा सफाया करते या तुम हमारा सफाया करते बुखारी की रिवायत है मुश्रकीन ने उमर रजी अल्लाह तला को जान से मारने के लिए उनके घर पर हल्ला बोल दिया इस्लाम लाने की पादाश में जब मालूम हुआ मुश्रकी ने मक्का को मक्के का एक बड़ा ताकतवर इंसान बड़ा रोब दबदबे वाला इंसान इस्लाम कबूल किया है और अब इस्लाम की शान और शौकत में बढ़ोतरी होगी तो फौरन उमर बिन ख़त्ताब खत्ता रजियाल्ला को जान से मारने के लिए उमर बिन खत्ताब रजियाल्लाहू के घर पर जमा हो गए उमर रजी उमर बिन खत्ताब के बेटे बिन उमर रजी उसे ये कहते के मेरे पापा घर में खौफ जदा थे खौफ की हालत में थे उतने में आस बिन वाइल आ गया अबू अमर आस बिन वाइल आ गया पूछा क्या बात है उम्र रजियाल्लाह तला कहा देखो अबू अमर मैं इस्लाम कबूल किया हूं इस्लाम लाया हूं मोहम्मद पर ईमान लाया हूँ, मगर तुम्हारी कौम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रही है आस बिन वाहल ने कहा यह मुमकिन नहीं है तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं जैसे ही मैं अबू अमर आस बिन वाहल से यह लफ्ज सुना तो मुझे कदरे हिम्मत आ गई बरहाल आस बिन वाहिल वहां से निकला लोगों के दरमियान चला गया और उस वक्त मक्के की वादी लोगों से खचाखच भरी हुई थी उमर बिन खत्ताब रजिलान को कतल करने के लिए अब हम बिन वाइल लोगों से मिले पूछा क्या बात है लोगों ने कहा कि यही खत्ताब का बेटा मतलूब है जो बेदीन हो गया है हम उसको कत्ल करने जा रहे हैं तो उसने कहा कि यह मुमकिन नहीं है ऐसा नहीं कर सकते लिहाजा लोग अबू हम रास बिन वाइल की बात सुनकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए और हजरत उमर बिन खत्ताब रजियाल्ला की जान बच गई उमर रजियाल्ला के इस्लाम लाने की कैफियत मुशरकिन पर ऐसी तारी हो गई मुश्रकिन बड़े परेशान थे रसुआ थे क्यों इसलिए कि जो इस्लाम जो मुसलमान अभी चंद पहले चंद अयाम पहले इंतिहाई परेशान थे लाचार थे, लागर थे कोई मदद करने वाला नहीं था जितने भी ईमान लाने वाले थे वो सब के सब गरीब थे या फिर उनके अंदर हिम्मत नहीं होती थी मुकाबला आ रही करने की मगर हजरत हमजार ने इस्लाम लाए और उनके तीन दिन बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तला मुसलमान हुए जिसकी वजह से इस्लाम की शान शौकत बढ़ गई इस्लाम ताकत में आ गया और अब इस्लाम बढ़ता ही जाएगा मुसलमान बढ़ते जाएंगे मोहम्मद वसल्लम की तबलीग अरब से निकल कर अजम तक चली जाएगी खुशकी से लेकर बहर तक चलाई जाएगी परेशान हो गए इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने उमर बिन खत्ताब से दरियाफ्त किया कि आपका लकब फारूख किस वजह से पड़ा तो उमर बिन खत्ताब रजियाल्ला ने कहा मुझसे तीन दिन पहले हजरत हमजा इस्लाम कबूल किया फिर जब मैं मुसलमान हुआ अपना वाक्य उन्होंने पूरा बयान किया कि मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा था फिर बाद में अल्लाह रब्बुली ने इस्लाम की तोफीक बख्शी मैंने इस्लाम कबूल किया ईमान लाया फिर उसके बाद करें कि जब मैं मुसलमान हुआ मैंने कहा अल्लाह के नबी के पास आकर अये अल्लाह के जरा ये बताओ क्या हम हक पर नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं उस जात की कसम जिसके हाथ में, में मेरी जान है हम हक पर हैं और तुम लोग हक पर हो खा जिंदा रहो या मरो मौत से दो चार हो हम हक पर है, हैं और रहेंगे उमर रजी कहते हैं मैंने कहा अः अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं तो फिर छुपना कैसा मक्का की अजियतों तकलीफों से छुपना कैसा चले आम निकल जाए और अपने इस्लाम का इजहार करें उस जात की कसम जिसके हाथ में उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है हम जरूर बाहर निकलेंगे मुशर के सामने अपनी कुत का इजहार करेंगे अपनी ताकत का इजहार करेंगे चुनानचे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि हम दो सफों में निकले कितनी सफों में दो सफों में आप सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम को हमराह लेकर हम बाहर निकले एक सफ में हजरते हमजा रजी अल्लाह तआला अन होते और दूसरी सफ में मैं था अल्लाहू अकबर देखिए फ़ारूक किस वजह से नाम पड़ा? आपने इससे पहले बगौर सुना है कि ने मक्का इस्लाम लाने वालों को किस कदर सताया करते थे आपने सुना हज़रत बिलाल रज़ील् नु को कैसे सताया गया रजी अल्लाह तन यासिर अल्लाह तैन सुमैया रजियाल्लास्मान गनी रजी अल्लाह तला और दीगर जो साहबाकर है इस्लाम लाने की पादाश में उन्हें किस तरह जलील और रसुआ करने की कोशिश की गई और उन पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े उनको मारा गया पीटा गया यहाँ तक के हजरत सुमैया रजियाल्लाहा को शहीद कर दिया ये मुसीबतें ये परेशानियां मुसलमानों पर जो हुई वो आपने बौौर सुनी अब गौर फरमाए उमर बिन खत्ताब इस्लाम लाए जैसे ही उमर बिन खत्ताब इस्लाम लाए अब मुश्रिकी ने मक्का में वो ताकत नहीं रही कि मुसलमानों को सताया जाए मारा जाए बल्कि इस्लाम बड़े ताकत में आ गया इस्लाम बड़ा मजबूत हो गया जनाब मोहम्मद भी मजबूत हो गए जो इस्लाम लाने पर कतराते थे इस्लाम के इजहार के लिए कि कहीं मुशरकी ने मक्का हमारा हाल बुरा ना कर दे हमें कूट कूट कर हमें कत्ल ना कर दे हमें परेशान ना कर दे और हमारे कूते लायमूत को ना बंद कर दे उमर बिन खत्ताब के इस्लाम लाने के बाद वो इस्लाम रास्ते पर आ गया जो इस्लाम घरों में था जो इस्लाम दारम में था तीन साल तक जनाब मोहम्मद की दावत देते रहे इस्लाम की तालीम लोगों को सिखाते रहे और वहां पर जो हुकुम हुआ करता था उस हुकुम की तामील किया करते थे मगर इस्लाम जब उमर बिन खत्ताब कबूल किए तो जो इस्लाम घरों में दब कर रहा करता था वो इस्लाम रास्तों पर आ गया वो इस्लाम मक्के की तरफ भी आ गया कहते हैं कि एक सफ में हजरत थे और दूसरी सफ़ में मैं था हम चल रहे थे हमारे चलने की वजह से आटे की चक, चक्की की आटे की तरह हल्का हल्का गर्दो गबार उड़ रहा था कुरैश ने मुझे और हमजा को देखा हम मस्जिद हराम में चले गए कुरैश ने मुझे और हमजा को देखा तो उनके दिल पर ऐसी चोट पड़ी उन्हें ऐसी तकलीफ पहुंची ऐसी तकलीफ इस्लाम आने के बाद से उन्हें आज तक नहीं पहुंची थी कितनी बड़ी बात है और अल्लाह के नबी वसल्लम ने खुद मांगा था अः अल्लाह इस्लाम की सरबलंदी के लिए उमर बिन खत्ताब दे दे या फिर अबू जहल दे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हजरत उमर फारूक उमर फारूक के इस्लाम लाने की वजह से इस्लाम को ताकत मिली आज हमें भी ऐसा ईमान पैदा करने की जरूरत है साहिब ईमान बनने की जरूरत है ऐसे ईमान में पुख्ता होने की जरूरत है हमारा नाम अगर कुफर के बातिल के के एवानों में लिया जाए तो उनके कंधे कप कप आ जाए परेशान हो जाए ऐसा ईमान पैदा करने की जरूरत है और ऐसे साहिब ईमान बनने की जरूरत है रुण रुण हैं के हम खाने के पास नमाज पढ़ने पर कादिर ना थे देखिए काबतुल्ला रबीन का घर है और यह सबसे पहला घर है रोय जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पहला घर है इन्ना अव्वला बैतुम वुज़िअल लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन काबतुल्ला इस रुए जमीन का सबसे पहला घर है अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस घर के पास मुशरिकीने मक्का मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते थे इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हम खाने काबा के पास नमाज पढ़ने पर

उमर रजी अल्लाह तला मुसलमान हुए तो इस्लाम परदे से बाहर आया हमने अभी कहा कि उमर बिन खत्ताब से पहले इस्लाम कहाँ दबकर था घरों में दबकर था मगर इस्लाम उमर बिन खत्ताब लाए तो घरों के अंदर का इस्लाम रास्ते पर आया बाहर आया और ना सिर्फ बाहर आया बल्कि उसकी ऐलानिया दावत दी गई तौर पर आम तौर पर अल ऐलान इस्लाम की दावत भी दी गई और हम हलके लगाकर कर काबतुल्ला के पास बैठा करते थे बैतुल्ला का तवाफ करते थे और जो भी शख्स इस्लाम लाने वालों पर जुल्म तोड़ता जुल्म करता तो हम भी उसे इंतकाम लेते हम भी उसको मारते ये जज्बा कब पैदा हुआ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तला के इस्लाम लाने के बाद ऐसा जज्बा साहबा कराम में मुसलमानों में पैदा हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूल की दुआ को कबूल करके उमर बिन खत्ताब को इस्लाम की तोफीक बख्शी थी दीरूद कहते हैं कि जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइजत जब से उमर बिन खत्ताब रज ने इस्लाम लाया उस वक्त से आज तक हम बराबर ताकतवर हैं और बराबर इज्जत वाले हैं और आपको मालूम होना चाहिए उमर बिन खत्ताब ताला रजल्ला के दौर खिलाफत में इस्लाम दूर दूर तक पहल चुका था इनके किस्से ऐसे किस्से हैं जिसके दिल में जरा सा भी ईमान हो उमर बिन खत्ताब ताला रजिला के वाक्य को पढ़ता जाएगा और जारो कितार रोता चला जाएगा तो बहरहाल मुशरक़ी ने मक्का ने जब देखा हज़रत हमजा और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ख़ताब रज़ील्हु ने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम बढ़ रहा है ताकत में आ गया है लोग धीरे धीरे इस्लाम की तरफ़ माइल हो रहे हैं इस्लाम को पसंदीदा निगाह से देख रहे हैं और दीद इश्तिया से देख रहे हैं और इस्लाम को अपने दिलों में जगा दे रहे हैं तो बड़े परेशान हो गए लिहाजा उन्होंने सोचा कि अब सौदेबाजी की जाए किसी भी तरीके से इस्लाम को रोक दिया जाए इस्लाम आगे न बढ़ने पाए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में हबूर में कुरैश का एक नुमाइंदा भेजा उतबा बिन रबी जो सरदार कौम था एक रोज कुरैश की महफिल में कहा कुरैश के लोगों क्यों ना मैं मोहम्मद के पास जाऊं और उनसे बातें करूं चंद उमूर पेश करूं हो सकता है वो चंद बातों को मान ले कुरैश के लोगों ने कहा कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने जाओ तुम मोहम्मद से बात करके तो देखो उदबा बिन रबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर बैठ गया फिर बोला भतीजे हमारी कौम में जो तुम्हारा मकाम व मरतबा है रुतबा है आली नसब है वो तो तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी कौम में तुम सबसे आला नसब वाले हो मैं तुम्हारे पास चंद बातें पेश करूँगा चंद बातें चंद उमूर मैं तुम्हें कहूंगा अगर तुम्हें पसंद आए तो कह देना और कहा कि तुम एक ऐसा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुम्हारी कौम के अंदर तफरुका पड़ गया है और इसे भी बढ़कर तुम कहते हो कि उनके मबूदाने बातिल, बातिल हैं और तुम उनकी इबादत करते हुए जो मर गया उसको काफिर करार करते हो लिहाजा मेरी बात सुनो मैं तुम्हें चंद बातें कहूंगा हो सकता है कोई बात भी कबूल कर लो आप आपलीसम ने फरमाया ए वलीद कुनियत है उतबा बिन रबिया की ए वलीद जो कहना है कहो उसने कहा भतीजे मामला जिसे तुम लेकर आए हो यानी जिसे जिस इस्लाम को लेकर आए हो जिस दीन को तुम लेकर आए हो अगर तुम इस दीन के जरिए से ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा करेंगे कि तुम हम में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे साहेब सरवत हो जाओगे सबसे ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे और दौलत वाले हो जाओगे और अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम के, इस के जरिए इस दीन के जरिए जिसको तुम लेकर आए हो एजाज और मरतबा हासिल करना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार मुंतब कर लेंगे अपना सरदार बना लेंगे यहां तक के कोई भी फैसला किसी भी मसले में तुम्हारे बगैर नहीं करेंगे बल्कि आपकी मौजूदगी ही में हम फैसला करेंगे और आपको अपना सरदार तस्लीम करेंगे सरदार मानेंगे और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेंगे और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है अगर ये भूत है तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा करेंगे जिसकी वजह से तुम शफायाब हो जाओ और तुम्हारा इलाज करेंगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें सुनते रहे उतबा कहता रहा जब उतबा फारिग हुआ तो आपने फरमाया ए अबुल वलीद क्या तुम अपनी बात से फारिग हो गए क्या तुमने अपनी बात को ख़त्म किया उसने कहा हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा अब मेरी बात सुनो अब तक तुमने कहा चंद उमूर पेश किए चंद बातें पेश की अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूं अब तुम सुनो फिर आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबियल लिकौमी यालमून

पर्दा है अल्लाह हु अकबर यानी अब हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जा रहे थे और उतबा चुपचाप सुनता जा रहा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आध पर पहुंचे तो आपने सजदा किया फिर फरमाया ए अबुल वलीद तुम्हें जो कुछ सुनना था तुमने सुना जो कुछ कहना था कहा अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने यानी नबी सल्लल्लाहु सुल अलैहि वसल्लम बता रहे थे कि ये सौदेबाजी का मसला नहीं है ये तोहीद अब शुरू हुई है और कहाँ तक बाकी रहेगी इनशाला कयामत तक बाकी रहेगी क्यामत तक इसका काम होता रहेगा और मैं इसी मिशन को लेकर आया हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानब से और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने मुझे रसूल बनाकर मोस फरमाया है वली समझ गया फिर उठा सीधा कुरश मक्का की ली जहां से आया था वहां की तरफ हो लिया मुश्रकी ने मक्का उसको आता हुआ देख कर एक दूसरे से कहने लगे कि अल्लाह की कसम अबुल वलीद तुम्हारे पास से जो चेहरा लेकर गया था वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है यानी जो खुशी खुशी जनाब मोहम्मद रसोल पास गया था अब वो चेहरा नजर नहीं आ रहा उसका चेहरा कोई और ही चीज बयान कर रहा है जब वो आया बेटा लोगों ने पूछा क्या खबर है तो अबुल वलीद उतबा बिन उतबा बिन रबिया ने कहा कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है वल्ला ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना था वल्ला ना वो शेर है ना जादू है कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और इस महामले को मुझ पर छोड़ो मेरी राय यह है कि तुम मोहम्मद को उसके हाल पर छोड़ दो उसके बीच में ना जाओ उसे तंग करने की कोशिश ना करो मैंने उसका जो कौल सुना है उससे कोई जबरदस्त वाकया रूनमा होकर रहेगा फिर अगर उस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए अंजाम पा जाएगा और अगर यह शख्स अरब पर गालिब आ गया तो उसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत बादेशा, होगी उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी उसका वजूद तुम्हारे लिए बातमंद होगा लोगों ने कहा अबुल वलीद, वल्ला तुम पर भी उसकी जबान का जादू का असर चल गया है तुम भी शायद उसकी बातों में आ गए तिलावत शुरू की तो रुदबा चुपचाप सुनता रहा जब आप सल्लाह इस आयत पर पहुंचे फिन आ रजो फकुलर तो कुम के अगर उन्होंने एराज किया तो आप कह दीजिए कि मैं तुमको आद और आदि की आद और की कड़क की तरह कड़क से डराता हूँ उस वक्त थर्रा गया, उठ खड़ा हो गया और जनाब मोहम्मद के मुंह पर हाथ रखा और कहा कि मैं आपको अल्लाह का और कुराबत का वास्ता देता हूं कि आप ऐसा ना करें उसे खतरा था कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब ना आ जाए तो मोहतरम हजरात इस तरह सौदेबाजी की उन्होंने कोशिश की उतबा बिन रबिया को अबुल वलीद को जनाब महम्मदरसोल्ला वसलम की खिदमत में भेजा ताकि मोहम्मद वसल् उतबा के चंद उमूर में से किसी अम्र को अपनाए और दीन इस्लाम का काम किसी भी तरीके से रुक जाए मोहम्मद रसोल वसलम की कि तबलीग किसी भी तरह से रुक जाए मगर वो नाकाम नामद वापस मुश्रकी मक्का की तरफ लौटा इनशाला फिर आ, अगली उसकी वजाहत आइंदा सीरीज़ में की जाएगी अल्लाह रब्लम से दुआ कि अल्लाह हम तमाम को सुनी हुई बातों को अच्छी तरह जहन नश करके सूरत नबी वसल्लम के मुताबिक अमल पैरा होने की तोफ़ी ख़तः फरमा आमीन व आखरद आवाना अनहमदी